कोटा आकर अच्छा लग रहा है, और मैं एलएन में एक्चुअली स्टडी करने के लिए आई हूँ नीट पर्पस के लिए। सिक्योरिटी तो मैं अपनी टीचर लगते हैं एलएन में, वो कौन? मैं सिटी और भी चूज कर सकती थी, बट मेरे को वो भी उन्होंने भी अपनी जॉब वगैरह छोड़ के वहाँ से यहाँ पर आई हुई है साथ में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोटा स्मार्ट सिटीजन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पवन मीणा स्वागत करता हूँ कोटा स्मार्ट सिटीजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आपने बाहर देखा ही था कि आज हम आए हुए हैं गोलगप्पा शॉप पे। इसका एड्रेस नीचे जो है मेंशन है, आइए और मज़े लीजिए। मैं यहाँ पर आया था खाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ लोग मिल गए यहाँ पर, तो जिनसे हम बातचीत करते हैं, उनको देखते हैं कि इनको कोटा कैसा लगा। आए थे यहाँ पर स्टडी करने के लिए, ये भी यहीं पर खा रहे थे, तो हमने सोचा चलो बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ है कशिश जी, यानी कशिश। तो ये थी यूपी से, प्रयागराज से, तो हमने बातचीत की और देखते हैं आगे क्या है। तो कशिश बताइए कि आपको कोटा कैसा लगा और कहाँ से थे आप और आए यहाँ पर, कितना मज़ा आ रहा है कोटा में? मैं एक्चुअली तो सतना एमपी से हूँ, बट मैं अभी राइट नाउ आई हूँ प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से, कोटा फॉर स्टडी पर्पस। कोटा में मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मैं जहाँ से आई हूँ तो मुझे कोटा आकर अच्छा लग रहा है, और मैं एलएन में एक्चुअली स्टडी करने के लिए आई हूँ नीट पर्पस के लिए। सो मेरे को एलएन भी बहुत अच्छा लगा, एंड फैकेलिटी एंड एवरीथिंग यहाँ पर बहुत अच्छा है। एंड मैंने कोटा एक्सप्लोर करके ये देखा कि यहाँ पर बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं और यहाँ पे बहुत तरीके तरीके का खाना मिलता है। अच्छा, इसलिए आज आप यहाँ पर गोलगप्पा शॉप पे आए हुए हो? हाँ, एज सच बोलूँ तो, क्योंकि ट्राई किया अभी तक आपने? मैंने तो यहाँ पे ट्राई किया अभी पाव भाजी और कचौरी चाट, और मुझे कचौरी चाट बहुत फैंटास्टिक लगी। यार मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, मैंने भी ट्राई किया था, तो आप भी आइए और मजे लीजिए। इसके अलावा कोटा का जो आपको एनवायरनमेंट देखा, मतलब स्टडी तो अच्छी होगी इसमें, बेसिकली बात है, ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अलावा जैसे कोटा में आप आते जाते हो, कहीं ना कहीं क्या बच्चे बाहर से आते हैं तो सिक्योरिटी का एक मामला होता है, तो वो कैसा लगा? मुझे कोटा में सिक्योरिटी, तो मैं अपनी फैमिली पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, तो मुझे उतना सिक्योरिटी का आइडिया नहीं है, बट मैं अपने फ्रेंड्स और बाकी सब की बात करूँ तो वो सिक्योर्ड हैं, और अगर वो नाइट में हॉस्टल से निकलते तो ज़रूर कभी कभी प्रॉब्लम होती है, बट एज सच गर्ल्स के लिए और सब सेफ्टी है यहाँ पर। मतलब ये बोल सकते हैं कि भैया कोई बाहर से आता है स्टडी करने के लिए तो बिल्कुल उनके लिए सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है कोटा के अंदर। और इसके अलावा आपको जो सबसे बेस्ट टीचर लगते हैं एलन में, वो कौन? तो मेरे फेवरेट टीचर तो लाइक सभी हैं आई विल से, बिकॉज सब बहुत अच्छे हैं, बट मेरे जो मेन फेवरेट टीचर्स हैं वो हैं कृष्णा सर, वो जूलॉजी पढ़ाते हैं हमें, एंड स्वर्णिम सर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड मेरे जो क्लास मेंटर हैं हरीश सैनी सर, वो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो लाइक उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, एंड हमारी क्लास में भी जो जैसा वो पढ़ाते हैं, जिस तरीके से उनकी चीज़ें हैं, वो एनवायरनमेंट बहुत इंस्पायरिंग है। तो लाइक आई लाइक देम। आपने कोटा को क्यों चूज़ किया? और भी मैं सिटी और भी चूज़ कर सकती थी, बट मेरे को प्रायोरिटिज्म के मामले में, मतलब माहौल यही मिलेगा कोटा में। यस, एंड जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कोटा में आपके लिए स्टडी के लिए, वो बहुत बेसिकली वो सब चीज़ें यहीं पे मिल सकती हैं, तो इसीलिए मैंने कोटा को चूज़ किया, एंड मुझे अपनी चॉइस पे लाइक है कि यस इट्स फाइन कोटा। तो मतलब इस बार तो मतलब नीट वगैरह की तैयारी करो, है ना? हाँ। तो मतलब सिलेक्शन लेना ही है, लेना है। आप अक्सर देखते हो कि बच्चों के लिए अपने माँ बाप भी सेक्रीफाइस करते हैं अपनी जगह का, सब कुछ का, तो जो कशिश की मम्मी है वो भी, उन्होंने भी अपनी जॉब वगैरह छोड़ के वहाँ से यहाँ पर आई हुई है साथ में, उन्होंने यहाँ पर भी अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हो कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आपको कैसा लगा कोटा? मेरे को थोड़ा सा पहले जब आई न्यू तो थोड़ा सा सेटल होने में थोड़ा सा लगा कि हाँ कैसे सेटल होंगे, सब कुछ उसी तरह सब मतलब मेंटेन करना, बट अभी सब कुछ अच्छा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है और सब सही चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कोटा। और कोई परेशान करेगा तो? कोटा में कोई परेशान करेगा तो कोटा वाले लोगों से मैं बहुत अच्छी दोस्ती कर ली हूँ। और बता दें भैया कि सर, आपको पता नहीं होगा लेकिन सर आर्मी में है, तो कोई परेशान करेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं यार,
कोटा में कोई ऐसे भी परेशान नहीं कर रहा, वो देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यही चाहते हैं कि कशिश का हो जाए सिलेक्शन, उसके बाद में आगे जाए, डॉक्टर वगैरह बने। और कोटा के लिए क्या बोलना चाहोगे आप, और बच्चे आ रहे हैं उनके लिए? मैं जो कोटा आ रहे हैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि लाइक अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो आपका सैक्रिफाइस वर्थ इट होगा, और अगर आप मन से पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के टीचर्स, यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। एंड आप लोग भी प्रे करो कि मुझे सिलेक्शन मिल जाए इन 2024 नीट। तो ओके, थैंक यू। और आपको मैम कुछ बोलना है कोटा के लिए? कोटा बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है, मींस स्टडी खाने के मजे ले रहे हो? हाँ, खाने के मजे ले रहे हैं, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। और अभी तो हम जिस शॉप में आए हैं गोलगप्पा में मींस, तो वहाँ का तो टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।